तो हाय गाइस, माय नेम इज यू एंड वाचिंग द अल्ट्राटॉक्स वाईटी चैनल। सो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि एस अल्ट्रॉस एच टी के वेरियंट की। सो फाइनली ये कार हमारे पास आ चुकी है फॉर अ रिव्यू। अगर आपको कोई सी कार का रिव्यू करना तो आप ये इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। बाकी हम एक्सटीरियर के पहले हम बात करेंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी की तो फ्लिप की आपको देखने मिलती है, लॉक अनलॉक और बूट आप अनलॉक वगैरह कर सकते हो। इसकी से आपको अच्छी खासी की देखने मिल जाती है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो फ्रंट में हम जाएंगे, पहले हम जंप करेंगे फ्रंट की साइड, आपको फ्रंट में दिखा देते हैं क्या क्या देखने मिलता है। तो पहले तो टाइगर नोज ग्रिल आपको देखने मिल जाती है, किया की किया का ओल्ड वाला लोगो आपको इसमें देखने मिल जाता है। उसी के साथ साथ आपको जो है वो फिनिश टॉप वेरियंट जैसी थोड़ी बहुत देखने मिल जाती है। हेलोजन यूनिट आपको एच टी के में देखने मिल जाते हैं, फुल्ली हेलोजन यूनिट है। इंडिकेटर्स की बात कर लो, पार्किंग लैंप्स की बात कर लो, हेड लैंप्स की बात कर लो, आपको सब जगह हेलोजन का यूजेस दिखेगा। प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स आपको देखने मिल जाते हैं, जिसका थ्रो जो है वो इतना अच्छा नहीं है। उसी के साथ साथ नीचे हम आते हैं तो आपको क्या देखने मिलता है, इसी में आपको हाई बीम लो बीम देखने मिल जाते हैं। प्रोजेक्ट फॉग लैम्प्स आते हैं, अगेन ऊपर विंडोज में आपको LED लाइट्स और आइस क्यूब फॉग लैम्प वगैरह देखने मिल जाती है। नीचे आपको स्कीड प्लेट देखने मिलने वाली है सिल्वर में। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो ओल्ड किया का लोगो है दिया हुआ, बिकॉज ये पुराना वेरिएंट है इसके लिए। और इस साइड भी आपको सिमिलर सेटअप देखने मिल जाता है। सो ओवरऑल आप देख लो कुछ इस तरीके से लगता है। ऊपर बोनेट पे कस्टम क्रीसिस थोड़े बहुत दिए हुए, और साथ ही में बात करें तो 205/65 R16 इंच के स्टील रिम्स आपको एच टी के वेरियंट में देखने मिल जाते हैं। ऊपर वेरियंट्स में ऑब्वियसली आपको 17 इंच के आते हैं, और एक्स लाइन में तो 18 इंच के भी आते हैं। ऑटो फोल्डेबल ओआरएम्स नहीं मिलते इस वाले वेरियंट में, बट ऑटो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल देखने मिल जाते हैं। ऑरेंज पंची ऑरेंज कलर है जो है वो। उसी के साथ साथ बॉडी कलर में आपको जो है वो डोर हैंडल्स देखने मिल जाएंगे, और पंजी ऑरेंज इसका नाम, मतलब ये जो कलर है उसका, और अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है। आप ओवरऑल लुक और डायमेंशंस अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो, एंड कितने डायमेंशंस देखने मिल जाते हैं। व्हील बेस भी 2600 mm का है, सो अच्छा खासा व्हील बेस भी दिया हुआ है कार में। और आपको बॉडी क्लैडिंग देखने मिल जाती है, ओवरऑल अच्छी लगती है वो भी SUV रगेड लुक के लिए। और ऊपर शार्क फिन एंटीना आता है, रूफ रेल्स आती है। इस वाले वेरिएंट में आपको सनरूफ नहीं आता अनफॉर्चुनेटली, और हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको देखने मिल जाता है। इसी के साथ साथ आपको रियर वाइपर वॉशर और जो वाइपर है वो नहीं मिलता। हेलोजन टेल लैंप्स दिए हुए, अगेन यहाँ पे LED आते हैं ऊपर वाले वेरियंट्स में, और रिफ्लेक्टर और ये सब बम्पर वगैरह आपको स्कीड प्लेट वगैरह पीछे भी दी हुई है, और रिफ्लेक्टर वगैरह भी दिया हुआ है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो कार का बूट स्पेस है वो कैसे देखने मिलता है वो हम बात कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट आपको देखने मिल जाता है, अंदर जाए तो 433 liters की आपको बूट स्पेस देखने मिल जाती है। अभी मेरा बैग और कवर पड़ा हुआ है गाड़ी का, बट अगर हम आपको स्पेयर व्हील दिखा देते तो वो भी सेम साइज का स्टील रिम ही आपको देखने मिलता है, जो आपको चारों चार व्हील में देखने मिल जाता है। वो सेम अलॉय व्हील्स में स्टील रिम यूज़ किया गया है। अंदर आपको टूल किट वगैरह भी देखने मिल जाएगी। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको क्या इसमें देखने मिलता है, तो जैक वगैरह और नट और वो जो है वो टूल किट देखने मिल जाती है। ओवरऑल कुछ इस तरीके का इंटीरियर आप देख सकते हो पीछे से लगता है। पार्शियल ट्रे इस वाले वेरिएंट में नहीं आती है, और चलो इसको अब बंद करते हैं और आपको अब दिखा दे। इसमें आपको कैमरा भी देखने मिल जाता है अगेन, बिकॉज ये उसमें 18 इंच की स्क्रीन आती है इसी के लिए। स्टील और मड फ्लैप्स भी आपको इसमें देखने मिल जाते हैं। फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको 50 liters का फ्यूल टैंक इसमें देखने मिल जाता है, और BS4 वाला वेरिएंट है, सो आपको कोई भी एयर ब्लू का ऑप्शन नहीं देखने मिलता। और ये कुछ स्पेसिफिकेशन आप डीजल की चेक कर सकते हो, एंड बाकी हम जाते हैं सीधा रियर सीट की स्पेस जानते हैं कितनी मिलती है आपको देखने मिलती है। पहले आप थोड़ा सा थर्ड सुन लो, और इतनी कुछ स्पेस आपको देखने मिल जाती है, अगेन लेग स्पेस आपको इतनी मिलती है। और हेडरूम की बात करें तो वो भी आपको डिसेंट देखने मिल जाती है। मेरी साइज 5.6 होगी आई गेस, उतनी मिलती है। और यू कैन चेक इट आउट, आपको इधर मटेरियल्स क्या यूज़ हुए, तो आपको सिल्वर फिनिश थोड़ी बहुत दी हुई है डोर हैंडल्स के अराउंड। उसके साथ साथ पावर विंडोज आपको देखने मिल जाती है, उधर भी मटेरियल ठीक यूज़ किया गया है, मतलब इतना भी अच्छा नहीं है। 1 liter की आप बॉटल अच्छे से स्टोर कर सकते हो उधर। स्पीकर की प्लेसमेंट भी दी हुई है। रियर AC वेंट्स आते हैं, कोई भी चार्जिंग ऑप्शन पीछे नहीं आता HTK में। और इसी के साथ ऊपर डोर हैंडल्स भी आपको देखने मिल जाते हैं। ऊपर कैबिन लाइट आपको हेलोजन में देखने मिलती है। ऊपर वेरिएंट्स में आपको LED आती है, पार्शियल ट्रेन नहीं आती इस वेरिएंट में, मैंने पहले आपको बता दिया। ओवरऑल लुक आप देख सकते हो डैशबोर्ड का कैसा आपको देखने में लगता है, और 8 inch की टच स्क्रीन आपको बीच में भी देखने मिल जाती है। सो उसकी भी बात हम करेंगे डिटेल में आगे वीडियो के। और इस इवेंट्स और ये सब भी अच्छा खासा दिया हुआ है।
पावरफुल ए सी बिकॉज ये डीजल मैनुअल है इसके लिए। और चलो अब जाते हैं थोड़ा और आपको दिखाते हैं क्या क्या आपको देखने मिल जाते हैं। सो पहले तो हम बात करेंगे इसके इंजन की। सो पहले हम निकलते और आपको दिखाते हैं कि इंजन में आपको क्या क्या ऑप्शन देखने मिल जाते। सो आपको स्कफ प्लेट देखने मिल जाती है सेल्टोस की, अगर मैं मिस कर गया हो तो। और उसी के साथ साथ ये जो मैट आप नीचे देख रहे हो घास वाली और सॉरी ग्रास वाली, वो ओनर ने खुद से लगाया है, वो किया के साथ नहीं मिलता मतलब। और चलिए चाहते हैं और आपको आगे दिखा देते हैं इंजन में क्या देखने मिलता है। सो हम पहले तो बोनेट वगैरह खोल लेते, तो बहुत ही ईजी है मतलब ये खोलना, मतलब इतनी वेट भी नहीं है बोनेट का। ओवरऑल आपको देखने मिल जाता है इसमें CIDI डीजल इंजन Hyundai की तरफ से आता है ये इंजन। सो 115 BHP की पावर बनाता है और उसी के सॉरी PS की पावर बनाता है और उसी के साथ साथ 250 NM का आपको टॉर्क देखने मिल जाता है। ये आपको कूलेंट वगैरह की प्लेसमेंट देखने मिल जाती है। और इस साइड अगर हम आए तो आपको देखने मिल जाता है बैटरी जो कि अच्छी खासी छोटी है, फ्यूज बॉक्स और एयर फिल्टर वगैरह आप देख सकते हो, चेकआउट कर लेना। और ओवरऑल लुक की बात करें तो अच्छी खासी पैकेजिंग की हुई है किया ने, ये डीजल इंजन इसके लिए थोड़ा बड़ा साइज का आता है, पेट्रोल तो और भी छोटा आता है। और बात कर ले तो ओवरऑल कुछ जिस तरीके की पैकिंग की गई है, इतनी कुछ स्पेस तो अभी बाकी रह जा रही है। और मतलब अच्छी खासी पैकेजिंग की हुई है किया ने, मतलब फिट एंड फिनिश तो थोड़ी बहुत तो अच्छी ही होती है किया की। और उसी के साथ साथ CIDI 16 वाले का पेट्रोल इंजन इंस्टॉलेशन के साथ आता है, इसके लिए साइलेंट इंजन आपको देखने मिल जाता है। आप थोड़ा सा साउंड सुन लो। तो इतनी कुछ साउंड आपके देखने मिल जाती है। ओवरऑल हम जाते हैं फ्रंट में, आपको दिखाते हैं और क्या क्या आपको देखने मिलता है फ्रंट में। सो पहले हम बात करेंगे इसके आपको डोर जो है वो वहाँ का फीचर्स देखने मिल जाते हैं, वो क्या क्या फीचर्स आपको उसमें देखने मिल जाते हैं। और स्टेयरिंग वगैरह की भी हम बात करेंगे। सो नाइस टू होल्ड स्टेयरिंग व्हील लगता है, उसकी भी बात हम करते हैं वीडियो में आगे। और साथ साथ हम बात कर ले तो आपको डोर के साइड में क्या क्या देखने मिलता है ड्राइवर साइड के डोर पर। सो अच्छी खासी फिनिश दी हुई है, मतलब प्लास्टिक ही दिया हुआ है। और ऑल पावर विंडोज आपको देखने मिल जाती है, इल्यूमिनेशन वगैरह तो नहीं पता बट आई गेस आता होगा। और लॉक अनलॉक का बटन दिया हुआ है और इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल OVMs का आपको कंट्रोल्स दिए हुए। ऑटो फोल्डिंग स्विच जो है वो नहीं दी हुई बिकॉज इसमें आती ही नहीं है। और बात कर ले तो कुछ ये जो है वो लेफ्ट एंड राइट का आप स्विच करके इलेक्ट्रिकल एडजस्ट कर सकते हो। डोर हैंडल्स आपको सिल्वर फिनिश में अगेन दिए हुए और अच्छे लगते हैं, मतलब ठीक लगते हैं जो प्राइस सेगमेंट में कार आती है। ट्विटर वगैरह दिया हुआ है और एसी वेंट्स भी अच्छा खासा लग रहा है, बड़ा लग रहा है और अच्छा थ्रो है, मतलब डीजल है इसके लिए अच्छा खासा थ्रो इसमें देखने मिल जाता है। एसी का पावरफुल एसी है। इल्यूमिनेशन के लिए आपको देखने मिल जाता है बटन और उसके साइड में आपको हेडलैम्प के स्विचिंग, मतलब हेडलाइट लेवलिंग के स्विच देखने मिल जाती है। और ये हेडलाइट लेवलिंग की स्विच है अगेन। और पहले हम बात कर लेते हैं इसके क्या क्या आपको देखने मिल जाता है। सो आपने सुना कि कैसी ओवरऑल आपको टैकोमीटर देखने मिल जाता है, 6 तरह का टैकोमीटर दिया हुआ, मतलब वो डीजल होगा ओपन और बीच में आप MID वगैरह भी देख सकते हो, मैं अभी कंट्रोल कर रहा हूँ। सो और इतने कुछ सेटिंग्स आपको MID में देखने मिल जाती है, मतलब मिनिमम सेटिंग्स है एकदम मिनिमम। और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने मिल जाता है सिर्फ HT के और जो नीचे वाले वेरियंट से उधर HTX में थोड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने मिल जाता है और उससे ऊपर तो और बड़ा हो जाता है, जिसमें आपको कैमरा वैमरा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और ये सब भी दिखा देता है। और उसी के साथ साथ आप देख सकते हो माइलेज डिजिटल स्पीडोमीटर और ये आपको देखने मिल जाता है स्पीडोमीटर, और नीचे आपको जो है वो इंजन टेम्परेचर दिखाता है। इस स्टॉक की बात कर लेते हो तो आपको हेडलैम्प स्टॉक देखने मिल जाता है, इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प नहीं आते, ऊपर वाले वेरिएंट्स में आते हैं। फॉग लैम्प का कंट्रोल आप चेकआउट कर सकते हो और ये इंडिकेटर के लिए ऑब्वियसली। एंड बाकी इस साइड के स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या क्या देखने मिलता है, तो ये वाइपर का स्टॉक है अगेन, इसमें ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं आते इस वाले वेरिएंट में, सो आप इसमें मैन्युअली कर सकते हो। और स्विचेस की बात कर ले तो आपको ये MID वगैरह की स्विच आप कंट्रोल कर सकते हो, क्रूज कंट्रोल नहीं आता इस कार में इस वाले वेरिएंट में, और यू कैन चेक इट आउट, मैं ये MID से ही कंट्रोल कर रहा था। अब आपको मीडिया के कंट्रोल्स और वॉइस कमांड इधर देखने मिल जाता है, आप हॉर्न सुन लो एक बार आप। सो ऐसा कुछ हॉर्न लगता है, मतलब सुना देता है। और
ये थोड़ा सा बैक से हम बात करते हैं तो स्टेयरिंग की कैप का आपको कैसा देखने मिल जाता है स्टेयरिंग इन ओवरऑल। सो हम देख लेते हैं पहले तो, एक तो मेरा सिर थोड़ा आधा आ रहा था और इजी टू मनूवर, मतलब इजी टू मतलब बहुत ही इजी है फॉर द सिटीज ट्रैफिक, और हाईवे पे भी थोड़ा बहुत वेट ये पकड़ लेता है। 8 इंच की आपको टच स्क्रीन देखने मिलती है और 8 ये सिर्फ आपको एच टी के में देखने मिल जाती है, एच टी के प्लस में देखने मिल जाती है। उसके ऊपर अगर हम जाए एच टी एक्स से तो आपको 10 इंच की बड़ी स्क्रीन देखने मिल जाती है। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस और एप्पल का भी वायरलेस ही आता है। FM सुन लो आप। जूना मार्केट में पार्किंग, विजिबिलिटी, अप्रोच बधा ने बहुत तकलीफ पड़े छे। विचारो छो नवी दुकान चालू करवानो। हां यार, मने पण ऑफिस मां बधी तकलीफो तो छे अने साथे कोई कार में आपको 4 स्पीकर के साथ 2 ट्वीटर्स आते हैं और ये नॉब बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे लगते हैं। 8 इंच में आते हैं बट ऊपर वाली स्क्रीन में आपको नहीं आते कोई भी बटन्स और नॉब वगैरह। सो मैं तो आपको प्रीफर करूंगा कि आप 8 इंच की टच स्क्रीन लो, इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले भी चल जाता है और उसी के साथ आपको फिजिकल बटन्स भी देखने मिल जाते हैं, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। टच स्क्रीन में भी आने चाहिए जो 10 इंच की है वो। आप साउंड सुन लो एक बार। तो यू कैन चेक इट आउट, आपको ऐसी कुछ साउंड देखने मिल जाती है। उसके साथ साथ फ़ोन के कंट्रोल्स, ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन, मैन्यूल वगैरह, वॉइस मैन्यू मतलब मेमो, रेडियो वगैरह, मीडिया की सेटिंग्स और ये सब आप चेकआउट कर सकते हो। DRVM इस कार में नहीं चल रहा था बिकॉज इसमें आई गेस कुछ इशू था कैमरा के साथ या तो कुछ व्हीकल के साथ, इसके लिए वो नहीं चल रहा था। बाकी कैमरा इसमें डिसेंट आता है और इसमें सिर्फ रियर व्यू कैमरा ही आता है। AC की बात कर ले तो आपको देखने में सॉरी AC के पहले हम बात कर लेते तो हैजर लैम्प के हमको कंट्रोल देखने मिल जाते हैं और उसी के साथ मोड आप कंट्रोल कर सकते हो। इसमें आपको ब्लोअर की स्पीड और ये आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। रिसर्कुलेशन और AC का बटन आपको नीचे देखने मिल जाते हैं। 12 वीक का सॉकेट आता है, उसके साथ साथ USB B टाइप A टाइप आपको देखने मिल जाते हैं। एक फास्ट चार्जिंग भी आता है। वायरलेस चार्जिंग इस वाले वेरियंट में नहीं आता, ऊपर वाले वेरियंट में आपको जरूर देखने मिलता है। 6 स्पीड का वो गेयर बॉक्स देखने मिल जाता है और अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है। कप होल्डर्स आपको 2 देखने मिल जाते हैं और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो आर्मरेस्ट में आपको मतलब एक तो पहले मैनुअल हैंड ब्रेक आपको देखने मिलती है, उसके साथ साथ आर्मरेस्ट के नीचे आपको डिसेंट सी स्पेस देखने मिल जाती है और कोई भी कूलिंग वगैरह का फंक्शन इस वाले वेरिएंट में नहीं आता। बाकी हम बात करें तो ओवरऑल कुछ ऐसा कुछ लगता है। कैबिन लाइट्स की बात कर ले, कैबिन लाइट्स की तो आपको फ्रंट में क्या देखने मिलती है तो हैलोजन लाइट्स आती है दोनों ही और LED आती है आपको ऊपर वाले वेरिएंट्स में। सनग्लास होल्डर आपको देखने जरूर मिलता है, अच्छी बात है दिया है और आपको जो है वो सनसेट दिए हुए मतलब डिसेंट से दिए हुए। और इसमें आपको ग्लास भी देखने मिलता है, उसमें ग्लास नहीं आता ड्राइवर साइड में। IRVM आपको डिसेंट देखने मिल जाता है, मैनुअल IRVM मतलब मैनुअल डिमिंग IRVM है और ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको ऑटो डिमिंग आएगा। ग्लव बॉक्स की बात कर ले तो डिसेंट है, आप अच्छी खासी मैनुअल वगैरह रख सकते हो उधर और उसी के साथ साथ मतलब वो भी अब सॉफ्ट कॉपी हो गई सो वो भी रखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है आपके साथ। और उसी के साथ अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको नीचे फुट रेस्ट के उधर पहले हम बात कर लेते हैं ड्राइवर की, तो ड्राइवर में आपको हाइट एडजस्टेबल और उसी के साथ साथ रिक्लाइन एडजस्टेबल और आगे पीछे भी हो जाती है सीट आपकी ड्राइवर वाली मैन्युअली। और फ्यूज़ बॉक्स और ये सब आप देख सकते हो। नीचे आपको डेड पेडल भी देखने मिलता है फुट रखने के लिए मतलब लेफ्ट वाला, और अच्छी खासी फुट स्पेस देखने मिल जाती है और कोई भी हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं आते हैं इस कार में। सो ये अगेन दिक्कत वाली बात हो जाती है। आई गेस स्टॉप एंड में भी नहीं आते होंगे और आते हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। सो आपने थर्ड सुन लिया, कैसा ओवरऑल आपको थर्ड देखने मिलता है और ओवरऑल आप दिखा देते हैं आपको ड्राइविंग प्लेजर कैसा है कार का। ड्राइविंग प्लेजर की बात कर ले तो स्टेयरिंग आप देख सकते हो कैसे इजीली टर्न हो रहा है, मतलब ऑटो सेंटर हो जाता है स्टेयरिंग। और उसी के साथ साथ अगर हम बात कर लेते तो बहुत ही ईजी टू मनूवर है, मतलब अच्छी खासी आप देख सकते हो। और अगर हम बात कर ले तो गाड़ी ओवरऑल अभी तो गड्ढे में थी सो आप देख सकते हो गाड़ी थोड़ी बहुत हिल रही होंगी। सो सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो थोड़ा स्टिफ दिया गया है सस्पेंशन और थोड़ा अंदर महसूस होता है सस्पेंशन कि कोई भी अगर गड्ढा वगैरह आ गया तो। ओवरऑल आप देख सकते हो ऑटो सेंटर बहुत ही अच्छे से हो जाता है, सो स्टैंडिंग में तो कोई भी दिक्कत नहीं है। हाईवे पे मैंने गाड़ी को ड्राइव नहीं किया है सो हाईवे की हम बात करने वाले भी नहीं है और मतलब अच्छी खासी और डिसेंट देखने मिल जाती है ओवरऑल जो है वो। और आप देख सकते हो ओवरऑल कुछ कार का जो फील है वो आप देख सकते हो, कार अभी हिल रही है सो कोई भी गड्ढे वगैरह में है सो उसमें आपको पता ही चल जाएगा कि कार गड्ढे में गई तो। और ओवरऑल डीजल इंजन बहुत ही पंची दिया गया है इसका सो उसमें तो कोई भी दो राय नहीं है, बहुत ही पंची इंजन आपको देखने मिल जाता है 115 BHP और उसी के साथ साथ आपको 250 Nm का टॉर्क देखने मिल जाता है। 4 सिलेंडर डीजल इंजन CIDI वाला देखने मिल जाता है, Hyundai की तरफ से आता है ये इंजन और अच्छा खासा है।
ओवरऑल अगर हम बात कर ले तो स्टेयरिंग की हैंडलिंग वगैरह तो वो भी अच्छी है, और माइलेज भी आपको अच्छा खासा सिटी में 18 तक का निकाल के दे देता है, सो कोई भी दिक्कत नहीं है। हाईवे पे और आपको दिखा, जो ओनर बोल रहे थे कि आपको और अच्छे से ये माइलेज निकाल के दे देता है हाईवे पे, ऑलमोस्ट उन्होंने तो 20 प्लस भी माइलेज निकाला है इसी डीजल इंजन से और इसी वाले मतलब वेरियंट से, सो वो भी बहुत अच्छी बात है। सो ये कुछ था ओवरऑल ड्राइविंग प्लेजर के बारे में, मैंने इतनी ड्राइव की सो आपको इतना ही मैं बता सकता हूँ। अभी तो लंबी ड्राइव करने के लिए अगर किया हमको कोई भी कार देती है सो उसके हम डिटेल में और बात करेंगे, बाकी सेफ्टी वगैरह तो आपको पता ही है कार की कैसी है। वर्स्ट सेफ्टी के टाइप में कार आती है, वर्स्ट तो नहीं बोल सकते, मतलब ओके है, फीचर्स आते हैं, बट सेफ्टी में स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है कार का, सो वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बाकी आप फॉलो वॉलो कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वगैरह कर देना और सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच वीडियोज, और आपको DM कर सकते हो अगर आपको कोई भी कार का रिव्यू हमसे करवाना हो तो। बाकी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक ऑल न्यू कंटेंट के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।